दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कार में जो एयर बैग्स होते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं? फर्स्टली तो एयर बैग्स एक्सीडेंट के वक्त हम लोगों की जान बचाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा। लेकिन आप सोच रहे होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा एयर बैग्स हमारी जान कैसे बचाता है? एक्सीडेंट के वक्त लगभग सिर्फ 50 मिलीसेकंड लगता है हम लोगों को स्टीयरिंग व्हील से टकराने में, जिसके कारण एयर बैग्स को बहुत ही कम समय मिलता है हम लोगों की जान बचाने के लिए। जैसे ही हमारी गाड़ी किसी भी चीज़ से टकराती है या उसका एक्सीडेंट होता है, तो स्टीयरिंग व्हील के अंदर एक सेंसर मौजूद होता है जिसको हम लोग एक्सेलेरोमीटर कहते हैं। वो एक्सीडेंट को डिटेक्ट करता है और इग्नाइट के पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है जो कि वहाँ पे मौजूद सोडियम एजाइड को जलाता है, जिसके कारण सोडियम एजाइड डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर सोडियम और बहुत ही बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है। और बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस हो जाने के कारण एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं। और लास्टली इस प्रोसेस को होने में सिर्फ 30 से 40 मिलीसेकंड लगते हैं, जिसके कारण हमारे स्टीयरिंग व्हील से टकराने से पहले ही एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी जान बच जाती है।